हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नोमेनक्लेचर रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर हमारे डिस्कशन में थे, हमने एनआयनिक और न्यूट्रल टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को नाम दिया है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं, तो आपको इन सब कंपाउंड्स को नाम देना है। आप टॉपिक दे सकते आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को नाम कैसे देंगे? अब पहले तीन जो एग्जाम्पल है उसमें आयन है, और इसमें आप ऐसा देख सकते कि इसमें काउंटर भी प्रेजेंट है। तो एक एक करके चलो हम नाम देंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज CuNH3 टेकन 4 टाइम्स +2। अब आपकी जो पहली स्टेप है, जब भी नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो उसमें पहली स्टेप ये रहेगी कि इसको आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द गिवन मेटल। आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ज़रूरी है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हमें पता नहीं है, कंसिडर इट एज एक्स। अमाइन जो होता है अमोनिया, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड, तो इसके लिए इसका 4 × 0 और टोटल चार्ज जो है दैट विल बी +2। तो एक्स +4 × 0 = +2। +2 क्यों आ रहा? क्योंकि चार्ज और चार्ज टोटल वैल्यू आपके कंपाउंड पे यानी आयन पे +2 दिया गया है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा केट आयनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका अगर सपोज आपने हिसाब अगर करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो विल फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज 2। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी 2, रोमन नंबर में मैंने लिख दिया। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को नाम कैसे देंगे? ये तो आयन है, तो ऑब्वियसली जो सामने दिख रहा है उसका ही डायरेक्ट नाम देना है। आपको नेमिंग ऑफ लिगेंड से शुरू करना है। NH3 डिकन 4 टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि आपको चार बार यहाँ पे अमाइन लिया गया, तो इधर शुरुआत में आएगा टेट्रा अमाइन। आप स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में मैंने MM यूज़ किया है, टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन, अब ये एलिमेंट जो है दैट इज कॉपर सेंट्रल मेटल, तो कॉपर का नाम कॉपर ही रहेगा। सिर्फ जब आपका एन आयनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है तो आपका सेंट्रल मेटल जो है उसके नाम के एंड में एट लगता है, ATE। न्यूट्रल और कैटायनिक जो कॉम्प्लेक्सेस है उनमें नाम में सेंट्रल मेटल के नाम में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम टेट्रा अमाइन कॉपर, और उसके बाद में आगे क्या कर देना है, 2। अब अगर सपोज आपने एंड में आयन नहीं लिखे तो पूरे मार्क कट जाएंगे, 0 यू विल गेट। तो सिंपल सा पॉइंट, ये आयन है तो एंड में आपको ION लिखना पड़ेगा। तो कंपाउंड का नाम रहेगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। क्या कंपाउंड का नाम रहेगा? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो इस तरीके से नोमनक्लेचर होगा। नोमनक्लेचर में एन आयनिक और कैटायनिक का डिफरेंस समझो। एन आयनिक और कैटायनिक के डिफरेंस में सबसे मेजर डिफरेंस ये है, एन आयनिक में हम सेंट्रल मेटल का जो नाम है, एलिमेंट है जो हमारा सेंट्रल मेटल, उसके एंड में ATE ऐड करते। इसमें ATE ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये होने के बाद में ये पहले लिख लो, फिर हम एक 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 करके कंपाउंड सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताते जाऊंगा, कोई अगर एडिशनल पॉइंट रहेगा तो वो हम सॉल्विंग के टाइम डिस्कस बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। IUPAC नेम लिखना है आपको, Fe H2O टेकन 5 टाइम। Fe H2O टेकन 5 टाइम NCS। NCS और टोटल चार्ज जो है दैट इज +2। +2 यहाँ पे टोटल चार्ज दिया गया है। अब सबसे पहला जो स्टेप है, हम पहला स्टेप कॉमनली फॉलो करने वाले हैं। हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल मेटल का, वो हमारे को निकालना है। आयरन जो है दैट इज आर सेंट्रल मेटल, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करूँगा मैं एक्स। वाटर 5 × 0 आ जाएगा, प्लस NCS है। NCS जो रहता इसको हम आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। हमने थायोसाइनेटो देखे थे, ये वाला SCN वाला। ठीक है, ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। SCN थायोसाइनेटो एंड NCS,
आइसोथायोसाइनेटोन बोथ आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसमें अटैचमेंट हो रही सल्फर से, इसमें अटैचमेंट हो रही नाइट्रोजन से। तो हम अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया NCS इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड, तो उसका आंसर रहेगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बट ओनली वन गेट्स अटैच्ड। जब N से अटैचमेंट होती है तो कंपाउंड का नाम रहता है आइसोथायोसाइनेटो, और जब S से अटैचमेंट होती है तो उसको थायोसाइनेटो बोला जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कल हमने SCN यूज़ करे थे, आज हम दोनों यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो x प्लस 5 × 0, इसका चार्ज रहेगा -1 = +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NCS इज -1, तो हमारा टोटल रहेगा x -1 = +2। x की वैल्यू +3 आ जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +3, Fe का +3 आ जाएगा। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो, हाउ डू वी सॉल्व। अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे, आपको ये देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके लिगेंड्स के नाम आने चाहिए। H2O जो है, H2O का नाम जब लिगेंड के जैसे रिप्रेजेंट होता है दैट इज एक्वा, और अगर आप NCS कंसिडर करेंगे, NCS इज आइसोथायोसाइनेटो, तो ऑब्वियसली हमारा H2O जो है एक्वा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो नाम हमारा कंपाउंड का इस तरीके से आएगा, H2O टेकन 5 टाइम्स है तो कंपाउंड विल बी पेंटा एक्वा। क्या नाम आ जाएगा कंपाउंड का, पेंटा एक्वा। फिर उसके बाद में NCS जो इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो, तो कंपाउंड का नाम रहेगा पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो। ये जो है दिस इज आयरन। अब आप कौन सा वाला कंपाउंड दिख रहे, कैटायनिक। कैटायनिक कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट का नाम एज इट इज रहता है, तो इसके लिए हम आयरन को एज इट इज आयरन लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, और एंड में सिर्फ आपको ION ऐड कर देना, दैट इज आयोन। तो कंपाउंड का नाम रहेगा पेंटा एक्वा आइसोथायो साइनेटो आयरन 3 आयन। ये आयरन है, ये आयोन है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इसका IUPAC नेम रहेगा हमेशा याद रखो, वेन एवर यू राइट IUPAC नेम तो पूरा की पूरा नाम जो है, द टोटल नेम शुड बी अ सिंगल वर्ड। टोटल जो नाम है हमारा वो एक सिंगल वर्ड के जैसे ही रिप्रेजेंट होगा, ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो तो हमारा FeH2 टेकन 5 टाइम NCS का जो नाम रहेगा दैट इज पेंटा एक्वा आइसोथायो साइनेटो आयरन 3 आयोन। आयोन बोलूंगा मैं ताकि आयन और आयन में कन्फ्यूजन ना हो आपको, जल्दी से लिखना है, फिर आगे का सॉल्व करेंगे हम। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इजी टॉपिक है, इट इज़ टॉपिक इज़ वेरी इजी, और ये टॉपिक में स्कोरिंग भी बहुत इजी है, मतलब आप बहुत इजीली ये चीज़ में स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, थेरोटिकल प्लस लॉजिकल चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब उसके आगे नेक्स्ट वाला जो है कंपाउंड हमारा ऐसा दिख रहा, PTEN टेकन ट्वाइस, फिर SCN टेकन ट्वाइस, और इस पे है +2। नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकलने का तरीका, कंसिडर इट एज एक्स प्लस EN जो होता है इट इज इथिलीन डायमाइन, और इथिलीन डायमाइन जो रहेगा ये न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड बट एज चार्ज 0, तो +2 × 0 प्लस -1 × 2 आएगा। SCN पे चार्ज -1 होता है, 2 टाइम्स है तो 2 × -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज +2 आ जाएगा। तो आएगा आपका x +2 × 0 + 2 × -1 इज +2, तो x -2 इज +2, x की वैल्यू जो रहेगी +4 आएगी, हमारी वैल्यू ऑफ x विल बी +4। मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल है प्लेटिनम, उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर 4 लिख देंगे, 4 रोमन नंबर में लिखना है, रोमन नंबर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये 4 है, बच्चों बच्चों को दूर से शायद 3 दिख रहा होगा बट इट इज 4, ठीक है। अब इसको नाम कैसे देंगे, अब यहाँ पे एक रूल जो लगेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। EN जो है,
ई एन इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इथिलीन डायमाइन। किसका शॉर्ट फॉर्म है? इथिलीन डायमाइन का। अब ये इथिलीन डायमाइन दो बार लिया गया है, ई एन इज इथिलीन डायमाइन, और इथिलीन डायमाइन कितने बार लिया गया है? दो बार। इथिलीन डायमाइन इज टेकन ट्वाइस, ये पॉइंट ध्यान रखो। जब आपका इथिलीन डायमाइन दो बार लिया जा रहा है, अब ये लिगैंड जो है इसका नाम में ही, इसके नाम में ही डाय है। इफ यू केयरफुली हियर द वर्ड इथिलीन डायमाइन, आपका जो लिगैंड का नाम है, ये लिगैंड के नाम में ही ऑलरेडी डाय टर्म यूज किया गया है। जब भी कोई आपके सामने ऐसा लिगैंड हो जिसके नाम में ही डाय हो, या जिसके नाम में ट्राई वगैरह हो, टी आर आई, या टेट्रा प्रेजेंट हो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आप दो बार जब ये लिगैंड लेंगे तो प्रीफिक्स आप डाय यूज नहीं कर सकते। जैसे डाय अमाइन हमने यूज किए थे, डाय क्लोरो, डाय ब्रोमो, डाय साइनो, अब इसमें आप डाय प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। जो भी लिगेंड के खुद के नाम में डाय है और वो अगर लिगेंड कंपाउंड में दो बार है, तो आप उसके लिए डाय प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। सो फिर कौन सा प्रीफिक्स यूज करना? यू विल हैव टू यूज प्रीफिक्स BIS, बिस। अगर आपका लिगेंड जिसके खुद के नाम में डाय है, वो अगर आपके कंपाउंड में दो बार लिया जाता है, तो आपको याद ये रखना है, आपका जो कंपाउंड रहेगा उसमें आपको प्रीफिक्स बीस यूज करना है। और ये जो प्रीफिक्स बीस है, इट विल स्टार्ट विद बी, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंपैरिजन में आएगा। जैसे हम लिगेंड्स कंपेयर करते तो उनके प्रीफिक्स डाय, ट्राई, टेट्रा का अल्फाबेट कंपैरिजन में नहीं लाते, बट बीस को आप कंपैरिजन में यूज कर सकते हो। तो हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा इथिलीन डायमाइन, दो बार है, तो ये कंपाउंड की शुरुआत होगी ऐसी, बीस इथिलीन डायमाइन, बीस इथिलीन डायमाइन। जैसे ही बीस लिख दिया आपने, आपको एक ब्रैकेट लिख देना है, बीस इथिलीन डायमाइन, बीस मतलब दो बार, इथिलीन डायमाइन। यहाँ पे प्रीफिक्स डाय यूज नहीं होता। नहीं होने का रीजन, क्योंकि इसके खुद के नाम में अंदर डाय है, तो अगर किसी ने ऐसा लिखा डाय इथिलीन डायमाइन तो गलत होगा। क्या करना पड़ेगा? बिस इथिलीन डायमाइन, उसके आगे SCN, SCN इज थायोसाइनेटो। अब थायोसाइनेटो में तो ऑब्वियसली कहीं डाय वगैरह नहीं है, थायोसाइनेटो दो बार लिया गया है, तो इसका नाम आएगा डाय थायो, डाय थायो, इधर लिख रहा हूँ, साइनेटो, डाय थायोसाइनेटो। फिर उसके आगे प्लेटिनम एलिमेंट जो है उसका नाम रहेगा प्लेटिनम, तो ये आ गया प्लेटिनम। फिर उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन जो नंबर है दैट इज फोर, रोमन में फोर लिखना है, और उसके बाद में ION यूज करना है। तो आपका जो कंपाउंड है उसका IUPAC नेम ऐसा रहेगा, बिस इथिलीन डायमाइन डाय थायो साइनेटो प्लेटिनम फोर आयन। नेवर फॉरगेट टू राइट ION एट द एंड ऑफ IUPAC नोमनक्लेचर व्हेन यू आर नेमिंग एनी आयन। कोई भी आयन को नाम रखते वक्त मतलब IUPAC नाम देते वक्त, आपको एंड में आयन लिखना है, ठीक है? IUPAC नोमनक्लेचर में सब बुआ बन जाएंगे, तो सबको क्या लिखना है? ION। चलो, नाम देने के लिए नाम बुआ दे दिए ना, इसके लिए ऐसा पॉइंट बोला हूँ। चलो आगे का पॉइंट देखते, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान से देखेंगे सब, आगे के जो कंपाउंड्स है उनको नाम कैसे दिया जाएगा। आज हमारे को कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को नाम देने हैं, प्लस फिर कुछ IUPAC नेम्स दिए रहेंगे, IUPAC नेम से फॉर्मूले डिटरमाइन करने हैं हमारे को। विल हैव टू डिराइव फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। इसमें अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ PT BR2 NH3 टेकन फोर टाइम्स और BR2। क्वेश्चन है आपका PT BR2 NH3 टेकन फोर टाइम्स और उसके बाहर BR2 भी आपको दिया गया है, आपको इसका नाम देना है। तो हाउ डू वी गिव नेम टू दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाएगा? इसको हम कंसिडर करेंगे X,
प्लेटिनम को एक्स कंसिडर करेंगे। अब बी आर टू है तो टू इंटू माइनस वन आ जाएगा, प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू ज़ीरो। ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज माइनस वन। बी आर का फिर हम माइनस वन लेंगे तो टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इट विल बी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू प्लस फोर आ जाएगी। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर फोर आ गया, फोर लिख के रख लेना है प्लेटिनम के रिलेटेड। अब उसके आगे का पॉइंट, अब इसके आगे का पॉइंट ऐसा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है। एज योर कॉम्प्लेक्स दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका कैट आयनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। जब भी कैट आयनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में आपको काउंटर वगैरह भी स्पेसिफाई किए रहेंगे तो शुरुआत इस ये पॉजिटिव पार्ट है तो आपको शुरुआत नाम देने में पॉजिटिव से ही करना पड़ेगी। तो इसका नामकरण कैसे होगा, बी आर टू ब्रोमीन बी से शुरू होता है और अमाइन ऑब्वियसली ए से शुरू होता है, तो नोमनक्लेचर में अमाइन का नाम पहले लिखा जाएगा, कंपाउंड का नाम रहेगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। क्यों मैंने अमाइन यूज़ किया, क्योंकि इसका नाम अल्फाबेटिकल में पहले आएगा। ये जो ब्रोमीन बी आर टू तो इसको मैं करूँगा डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो, टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो। उसके आगे हम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि कैटायनिक में नाम चेंज नहीं होगा। प्लेटिनम के आगे हमारे को लिखना है यहाँ पे फोर ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाम रहेगा टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लेटिनम फोर। अब इसके आगे आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का नाम लिखते वक्त ध्यान ये रखना है, जब ये काउंटर के जैसा आएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, ब्रोमीन को लिख देना है ब्रोमाइड। क्या लिख देना आपको इसको, ब्रोमाइड। और यहाँ पे दो बार रहो, तीन बार रहो, चार बार रहो, कितने भी बार ब्रोमीन रहो, उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्रोमाइड लिख देना है। तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा टेट्राअमाइन डाई ब्रोमो प्लेटिनम फोर ब्रोमाइड, ये हमारा आईयूपीएसी नेम रहेगा। चलो जल्दी से वाला पॉइंट लिखो, फिर उसके आगे का जो है मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला जो कुछ नाम दिए रहेंगे और नाम के बेसिस पे हम फार्मूले बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इस पे, कंपलसरी। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सी ओ एन एच थ्री डेकन फाइव टाइम्स, सी ओ एन एच थ्री डेकन फाइव टाइम्स, सी ओ एन एच थ्री डेकन फाइव टाइम्स, सी ओ थ्री और इसके बाहर सी एल दिया गया है। हाउ डू वी गिव आई यू पी सी नेम, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कंसिडर करो एक्स, प्लस फाइव इंटू ज़ीरो, प्लस सी ओ थ्री मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट पे चार्ज होता है माइनस टू रहता है, सॉरी कार्बोनेट पे चार्ज माइनस टू होता है, सी ओ थ्री पे चार्ज माइनस टू होता है हमेशा, और क्लोरीन जो है तो इट इज़ माइनस वन, टोटल चार्ज ज़ीरो। तो आपका ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर का इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस टू माइनस वन ज़ीरो, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आ जाएगा। तो नाम देते हुए एक चीज़ याद रखनी है, आपको हमेशा रोमन नंबर यूज़ करना है, कोबाल्ट के आगे मैं थ्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे शुरुआत हमेशा पॉजिटिव साइड से होंगी, पॉजिटिव साइड हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इट इज़ अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें ये है अमाइन, ये है कार्बोनेटो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखा जाता है लिगैंड के नाम लिखते वक्त। तो पहली शुरुआत इससे होगी, तो कंपाउंड का नाम रहेगा पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन कंपाउंड का नाम रहेगा पहले, पेंटा अमाइन। यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, मैं एक ए भूल गया था, पेंटा अमाइन। फिर उसके आगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो सी ओ थ्री जो लिगैंड है उसका नाम कार्बोनेटो रहेगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट सी ओ थ्री लिगैंड इज कॉल्ड कार्बोनेटो।
पेंटा अमाइन कार्बोन एटो, और उसके आगे जो रहेगा इट विल बी कोबाल्ट, कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट, और उसके आगे थ्री, ठीक है, कोबाल्ट थ्री। अब लास्ट में दिख रहा क्लोरीन, तो आपको यहाँ लिख देना है क्लोराइड। तो पूरा नाम जो रहेगा कंपाउंड का ऐसा, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, सॉरी पेंटा अमाइन कार्बोन एटो कोबाल्ट थ्री क्लोराइड, इस तरीके से नाम आएगा। ये जो सिक्स्थ वाला कंपाउंड है इसका आप ट्राई करो, मेरे हिसाब से इसका नाम आएगा। अब देखो ये है एक्वा, AQU ये, और ये अमाइन, दोनों के नाम में अल्फाबेट टाई हो जा रहे, ठीक है, ये ए से चालू हो रहा, ये भी ए से चालू हो रहा। तो जब भी ऐसे टाई हो जाएंगे तो नेक्स्ट वर्ड देखो, AM, ये AQ, तो ये पहले लिखा जाएगा, पेंटा अमाइन एक्वा। नाम बोल देता हूँ मैं, पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट थ्री आयोडाइड, आपका IUPAC नेम ऐसा आना चाहिए, पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट थ्री आयोडाइड, इस तरीके से आपका ये नाम आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका नोमनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो दिए गए उसके नोमनक्लेचर। अब कुछ IUPAC नेम दिए जाएंगे आपको, और वो IUPAC नेम्स पे से आपको उनका स्ट्रक्चर वगैरह यानी जो फॉर्मूला है वो बनाना है, ठीक है। तो आई विल बी गिविंग यू सम नेम्स IUPAC नोमनक्लेचर, और वो IUPAC नोमनक्लेचर से आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते, इंपॉर्टेंट सी चीज़ें ध्यान दो, प्रोसीजर समझने की कोशिश करो, बहुत इजी चीज़ें रहेगी, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन है ट्राई कार्बोन एटो कोबाल्ट एट, ट्राई कार्बोन एटो कोबाल्ट एट, कोबाल्ट एट थ्री आयन, इसका आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप। विल हैव टू राइट रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट थ्री आयन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ विल वी रिप्रेजेंट वगैरह, ये सब अपने को मालूम रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको कितना चार्ज है कंपाउंड पे ये मालूम नहीं है, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये भी आपको नहीं पता। बहुत इजी तरीका है निकालने का, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक स्क्वेयर ब्रैकेट निकाल लो। हाउ डू वी राइट फार्मूला, मतलब नाम पे से फार्मूला कैसे लिखा जाता है। पहले तो आप क्या करो, स्क्वेयर ब्रैकेट बना लो। आयन है तो आयन दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब सबसे पहली चीज, आपको अगर स्ट्रक्चर निकालना है यानी जो फार्मूला निकालना है उस पर चार्ज आइडेंटिफाई करना है कि कैटायन है या एनायन, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सेंट्रल मेटल का नाम देखो। सेंट्रल मेटल के नाम में यहाँ पे एट है, एट, एट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज नेगेटिव चार्ज। एट दिस पर्टिकुलर वेरी मोमेंट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पर एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे को पता नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कंसिडर एक्स नेगेटिव चार्जर प्रेजेंट ऑन द आयन। अब इसमें मेन मुद्दा ये रहेगा कि आपको चार्ज निकालते आना चाहिए। तो कंसिडर द टोटल चार्ज ऑन आयन इज माइनस एक्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब नाम नाम पे से आप फॉर्मूला बनाएंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट में सबसे पहले सेंट्रल मेटल का रिप्रेजेंटेशन लिख लो। कोबाल्टेट मतलब कोबाल्ट, उसको CO से रिप्रेजेंट कर दो। अब उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा, ट्राई कार्बोन एटो, कार्बोन एटो मतलब CO3 होता है, CO3 टेकन थ्री टाइम्स आना चाहिए। क्यों ऐसा आपको बोला जा रहा, कार्बोन एटो कितने बार है ट्राई, तो लिगेंड एक है CO3 और उसको तीन बार लिया गया है, तो कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा CO, CO3 टेकन ट्वाइस। अब ये दोनों में फर्क देखो, दिस CO में C इज कैपिटल, O इज स्मॉल, और इसमें C एंड O बोथ आर कैपिटल, ठीक है, बहुत से बच्चे इसको भी कैपिटल लिख देते, वैसा नहीं करना है। CO, CO3 टेकन थ्राइस, और चार्ज है माइनस एक्स। अब ये चार्ज कितना है वो निकलते आना चाहिए, तो वी विल रूल सिंपल यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। हम क्या करेंगे,
सब ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर लेंगे। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आपके ऐड होंगे उसकी जो वैल्यू रहेंगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऐड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आप ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर लो। जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट विल बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा अपन सिंपल डिस्कस कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है कोबाल्टेट 3 आयन, मतलब आपका जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो आपको यहाँ लिखना है 3 प्लस। आपका जो कार्बोनेट है इट इज 3 × −2। कार्बोनेट की वैलेंसी हमको पता है, कार्बोनेट इज −2 चार्ज, कितने बार यहाँ पे 3, तो 3 + 3 × −2। तो इसकी वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे 3 − 6 इट विल बी इक्वल टू −3। ठीक है, तो आपका जो ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज तो माइनस और माइनस यहाँ कॉमन आ गए, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आपका जो कंपाउंड है ऐसा दिखेगा, CO3 टेकन थ्राइस टोटल चार्ज −3। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपका जो कंपाउंड दिया गया है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी है आपको टू डिटरमाइन द फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाम पे से ये फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, इसके आगे का जो पॉइंट है ध्यान से देखो। अब इसके आगे का जो पॉइंट है ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 3। सोडियम हेक्सा साइनो फेरेट 3, सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 ये नाम दिया गया है IUPAC नेम, और आपको क्या करना है, ये IUPAC नेम से फॉर्मूला बनाना है। अब नाम देते वक्त सबसे पहले पॉजिटिव नाम दिया जाता है, तो सोडियम पहले, तो पहला पार्ट है सोडियम। अब उसमें सोडियम कितने बार लिया है वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि IUPAC नेम में हम ये नहीं लिखते कि सोडियम 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। तो एट दिस वेरी मोमेंट वी डोंट नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सोडियम, सोडियम के एटम्स कितने हमारे पास ये हमको पता नहीं है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे एक्स। लेट द कोऑर्डिनेशन, लेट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बी एज फॉलोस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ऐसा सपोज करेंगे, सोडियम एक्स टाइम्स, फिर आएगा ब्रैकेट, क्योंकि एन आयनी के देखो फेरेट नाम दिया गया है, हेक्सा साइनो फेरेट। तो आपका आई एम सो सॉरी, आपका जो फेरेट है, फेरेट का मतलब होता है आयन, और उसके बाद बोला गया आपको हेक्सा साइनो दैट इज CN इज टेकन 6 टाइम्स, NaX FeCN 6 टाइम्स, ये आपको कंपाउंड दिया जा रहा। अब आपको सोडियम की वैलेंस एग्जैक्ट नहीं पता, हेक्सा साइनो 6 टाइम्स साइनाइड, फेरेट मतलब आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आपको दिया जा रहा है। तो हाउ डू वी सॉल्व, एक्स की वैल्यू हमारे को पहले निकालना पड़ेगी। वी ऑल नो सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और सोडियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये क्वांटिटी निकालने के लिए एक्स इंटू +1 आपको करना पड़ेगा, सिंपल रूल्स ऑफ रिडॉक्स। प्लस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिया गया है कितना, 3, तो एक्स +1 + 3 + 6 × −1 = 0 है। कह रहेगा एक्स +1 + 3 + 6 × −1 = 0। अब इसमें हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, 3x + 3 − 6 = 0, तो कंपाउंड 3x − 3 = 0 आएगा। तो 3x = 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी +1, वैल्यू ऑफ एक्स हो गई +1। जैसे ही एक्स की वैल्यू +1 हो जाती है
एज सुन एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस वन, तो इसका मतलब ये जो है ये एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे को मिल गई। तो जो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा, एन ए एफ ई सी एन टेकन सिक्स टाइम्स, एन ए एफ ई सी एन टेकन सिक्स टाइम्स, ये हमारा कंपाउंड रहेगा। ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है जो आपको यूज करने टू राइट द रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ नेम आई यू पी सी नेम दैट इज गिवन। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक बढ़ाना है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखना है नेक्स्ट वाला, एक्वा क्लोरो, एक्वा क्लोरो, एक्वा क्लोरो बिस, एक्वा क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, एक्वा क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, और आगे दिया जा रहा कोबाल्ट थ्री, कोबाल्ट थ्री। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब इसको नाम कैसे देंगे, सबसे पहले तो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये कैटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है। अब देखो कैटायनिक अगर होता, ठीक है, तो आपका जो मेटल है वैसा कि वैसा ही रह रहा। एनायनिक अगर होता तो ऑब्वियसली एंड में एट आता, यहाँ पे एंड में एट नहीं है। इसका मतलब आपका जो दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आइदर इट इज़ न्यूट्रल और इट इज़ कैटायनिक। अब नाम आपको पूरा पढ़ना है और गौर से देखना है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व देर इज नो नेम ऑफ काउंटर गिवन, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में कोई काउंटर का नाम दिया गया नहीं है। अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कैटायनिक रहता है तो एंड में आपको काउंटर का नाम बिल्कुल दिया जाता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं है। इसका मतलब आपका ये जो दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये न्यूट्रल है। फिर से एक बार कैसे ध्यान से सुनो, आइडेंटिफाई कैसे करना। फर्स्ट सी वेदर देर इज एट एडेड इन द नेम ऑफ मेटल, मेटल के नाम में कहीं भी एट नहीं दिख रहा, इसका मतलब इट इज नॉट एन आयोनिक, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मेटल एज इट इज है यानी कि कैटायन है या फिर कौन सा रहेगा न्यूट्रल। अगर सपोज ये कैटायनिक होता तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में काउंटर का नाम डेफिनेटली रहता, जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वैसा कोई नाम दिख रहा नहीं है। इसका मतलब ये ना कैटायनिक है ना एनायनिक, तो आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और इस पर कोई चार्ज नहीं रहने वाला, चार्ज की वैल्यू जीरो रहेगी। अब ये कंपाउंड को नाम कैसे देंगे, हाउ विल यू राइट द रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले मेटल का सिंबल लिख दो, सी ओ, स्टार्ट विथ मेटल, ऐसा स्टार्ट विथ मेटल, कोबाल्ट, उसके आगे बिस इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन ई एन से रिप्रेजेंट किया जाता है टेकन ट्वाइस, बिस नाम में हम बी कंसिडर करेंगे, ई एन टेकन ट्वाइस में लिख दे रहा हूँ। एक्वा क्लोरो, एक्वा, एक्वा का मतलब होता है एच टू ओ, क्लोरो का मतलब होता है सी एल। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में अगर देखे, इथिलीन का ए सॉरी बिस अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा तो ई एन टेकन ट्वाइस, फिर क्लोरो आएगा, सॉरी अल्फाबेटिकल में एक एक्वा है, एक्वा मतलब यहाँ पे एच टू ओ लिखना पड़ेगा, फिर ई एन टेकन ट्वाइस लिखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे सी एल लिखना पड़ेगा। तो आपका जो कंपाउंड ऐसा दिखेगा, कोबाल्ट, एक्वा, क्लोरो, बिस इथिलीन डायमाइन, इस तरीके से रहेगा। अब जनरली नाम लिखते टाइम पे बीस इधर आना चाहिए, बट उन्होंने क्वेश्चन में वैसा दिया नहीं है, तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन के आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक सा पॉइंट आपको याद रखना है, टू राइट फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गिवन आई यू पी सी नेम।
और एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का हेडिंग वही रहेगा, आपको फॉर्मूला लिखना है फ्रॉम गिवन नेम, आईयूपीएसी नेम से फॉर्मूला लिखना है। कंपाउंड का जो नाम है वो दिया गया है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम थ्री क्लोराइड, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम क्रोमियम थ्री, और उसके आगे जो दिया गया है क्रोमियम थ्री क्लोराइड, क्रोमियम थ्री क्लोराइड। हम बोले कि टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थ्री क्लोराइड, इस तरीके से एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दिया गया है। ये आईयूपीएसी नेम से हमारे को क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले तो नाम देखेंगे हम एलिमेंट का, एज इट इज लिया गया है, एज इट इज है मतलब इट इज आइदर कैटायनिक और न्यूट्रल। अब देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में नाम दे रहा क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक काउंटर का नाम दिया गया है क्लोराइड। उसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है कितनी है, बट काउंटर है, इसका मतलब इट इज कैटायनिक टाइप। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है? इसको हम नाम कैसे लिखेंगे, क्रोमियम इज सी आर, फिर टेट्रा एक्वा तो एच टू ओ टेकन फोर टाइम्स, डाइक्लोरो मतलब सी एल टू, क्लोराइड सी एल, अब क्लोरीन बाहर कितने ही हमको पता नहीं, कंसिडर इट एज एक्स। अब ये एक्स की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स। सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अब सॉल्व कैसे होगा, क्रोमियम की वैलेंसी थ्री दी गई है आपको, प्लस फोर इंटू जीरो, एच टू का जीरो होता है, टू इंटू माइनस वन फॉर क्लोरीन, प्लस एक्स टाइम्स ऑफ क्लोरीन इंटू माइनस वन, और टोटल चार्ज है जीरो। ये अगर देखेंगे टोटल कॉम्प्लेक्स एज ए होल तो उस पर चार्ज जीरो है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन यानी एक्स का वैल्यू ऐसे निकलेगा, थ्री माइनस टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो थ्री माइनस टू इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू रहेगी वन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन आ गई, इसको रोमन में लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों, ये वैलेंसी नहीं है यानी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसको रोमन विमन में लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका जो कंपाउंड रहेगा ऐसा दिखेगा, सी आर एच टू ओ टेकन फोर टाइम सी एल टू, और उसके बाद बाहर ब्रैकेट के सी एल, तो सी आर एच टू टेकन फोर टाइम सी एल टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसके बाहर वो साइड सी एल आ जाएगा। दिस विल बी द वे टू राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो आज का छोटा सा पार्ट जिसमें हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किए, आईयूपीएसी के बाद में हमने कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना वो भी डिस्कस किया है, ठीक है? चलो तो इतना पॉइंट पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।